गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, पिछले वीडियोस में हमने स्वामी की दादी पार्ट नंबर 13, पार्ट क्रमांक 13 स्वामी की दादी का पार्ट आधा हिस्सा तो हमने आधा टॉपिक देखा था। अब आधा टॉपिक हम आज देखने वाले हैं, तो क्या है कि स्वामी की दादी बैठक और भोजन कक्ष के बीच हम हवादार अंधेरे गलियारे की बंद सी कोठरी में स्वामीनाथन की दादी अपने सारे सामान के साथ रहती थी। उनका सामान था 5 दरियों, 3 चादरों, 5 तकियों वाला भारी भरकम बिस्तर, पटसन के रेशे का बना एक वर्गाकार बक्सा और लकड़ी का एक छोटा बक्सा जिसमें तांबे के सिक्के, इलायची और लौंग सुपारी पड़े रहते थे। रात के भोजन के बाद स्वामीनाथन के दादी के पास उनकी गोद में सिर रखे लौंग इलायची के गंध भरे वातावरण में अपने को बहुत प्रसन्न और सुरक्षित महसूस कर रहा था। बड़ी प्रसन्नता से भरकर वह बोला, ओ दादी, तुम नहीं जानती राजम कितनी ऊंची चीज है। उसने दादी को राजम और मणि की पहले दुश्मनी और फिर दोस्ती की कहानी कह सुनाई। तुम्हें पता है इसके पास सचमुच की पुलिस की वर्दी है। स्वामीनाथन बोला, सच? उसे पुलिस की वर्दी क्यों चाहिए? दादी ने पूछा। फिर स्वामीनाथन ने कहा, उसके पिता पुलिस अधीक्षक है, वह यहाँ की पुलिस के सबसे बड़े अफसर है। दादी काफी प्रभावित हुई। यह सुनकर दादी काफी प्रभावित हुई। उनका सच में काफी बड़ा दफ्तर होगा, उन्होंने कहा। फिर उन्होंने उन दिनों की कहानी सुनानी शुरू की जब स्वामीनाथन के दादा रौबदार सब मैजिस्ट्रेट थे। दादी ने जैसे ही उस पुलिस अधीक्षक की कहानी सुनी तो उनको अपनी कहानी याद आई। जब स्वामीनाथन के दादा सब मैजिस्ट्रेट थे, जिनके दफ्तर में पुलिस वाले भी कांपते हुए खड़े रहते थे, जिनके दफ्तर में स्वामी के दादा के दफ्तर में पुलिस वाले भी कांपते हुए खड़े रहते थे, उनसे डरकर फुकार से फुकार डाकू तक भाग खड़े होते थे। स्वामीनाथन अधीर होकर उनकी कहानी खत्म होने का इंतजार कर रहा था, क्योंकि स्वामीनाथन को कहानी सुनानी थी। इंतजार करने लगा, लेकिन दादी बोलती गई, इधर उधर भटकती हुई, अलग अलग समय पर घटी घटनाओं को गड़बड़ करती हुई। बस काफी है दादी, उसने रूखे स्वर में कहा, मैं तुम्हें राजम के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। जानती हो उसे गणित में कितने नंबर मिलते हैं? सारे नंबर मिलते होंगे, है ना? दादी ने क्या पूछा? सारे नंबर मिलते होंगे, है ना? दादी ने पूछा। अरे नहीं, उसे 100 में से 90 मिलते हैं। चलो अच्छा है, लेकिन तुम्हें भी मेहनत करके उसकी तरह नंबर लेने चाहिए। तुम्हें पता है तुम्हारे दादा कभी कभी ऐसे उत्तर लिखते थे कि परीक्षकों को भी चकित कर देते थे। किसी सवाल का जवाब देने में वे दूसरों के मुकाबले 10वां हिस्सा वक्त लेते थे और फिर उनके जवाब इतने शानदार होते थे कि कभी कभी उनके अध्यापक उन्हें 200 नंबर तक दे देते थे। 100 में से 200 नंबर तक दे देते थे, क्योंकि स्वामीनाथन के दादा के उत्तर ही कुछ ऐसे रहते थे। जब उन्होंने एमए किया तो उन्हें इतना बड़ा
कई सालों तक उसे गले में पहनती रही। पता नहीं मैंने कब उसे उतारा। हाँ, जब तुम्हारी बुआ पैदा हुई। नहीं नहीं तुम्हारी बुआ नहीं, तुम्हारे पिता। हाँ याद आया, तुम्हारी बुआ ही पैदा हुई थी। पता है वह मेडल अब कहाँ है? मैंने वह तुम्हारी बुआ को दिया और बेवकूफ ने गलवा कर चार चूड़ियाँ बनवा ली। और तुम्हें और वह भी इतनी मामूली सी चूड़िया कि मैं हमेशा कहती रही कि हमारे परिवार में उस जैसा महामूल कोई नहीं, उस जैसा महामूल कोई नहीं। और अब बस भी करो दादी, तुम बेकार की पुरानी कहानियाँ सुनाती रहती हो। अब बस भी करो दादी, तुम बेकार की ही पुरानी कहानियाँ सुनाती रहती हो, ऐसा स्वामीनाथन ने दादी से कहा। क्योंकि स्वामीनाथन दादी की कहानी खत्म होने का इंतजार कर रहा था। क्या तुम राजम के बारे में नहीं सुनना चाहती? फिर दादी बोली, हाँ हाँ बोलो। दादी, जब राजम छोटा सा लड़का था तो उसने शेर मारा था। ये स्वामीनाथन बोल रहा था कि दादी, जब राजन छोटा सा लड़का था तब राजन ने शेर को मारा था। दादी बोली, सच? बड़ा बहादुर लड़का है। ऐसा दादी ने बोला कि बड़ा बहादुर लड़का है। तुम यह बात मुझे खुश करने के लिए कह रही हो। तुम्हें यकीन नहीं हुआ होगा, स्वामीनाथन ने बड़े उत्साह से कहानी शुरू की। राजम के पिता एक जंगल में डेरा डाले हुए थे। राजम उनके साथ था। अचानक दो शेर उन पर छपटे और एक ने पीछे से हमला करके पिता को गिरा दिया। और दूसरे ने राजम का पीछा किया। राजम एक झाड़ी के पीछे छुप गया और वहीं से गोली चलाकर शेर को मार डाला। दादी, क्या तुम सो गई? फिर से स्वामीनाथन ने आवाज दिया। स्वामीनाथन ने कहा, दादी क्या तुम सो गई? उसने कहानी खत्म होने पर पूछा। नहीं बेटा, सुन रही हूँ। अच्छा बताओ, कितने शेर आए थे? देखो दादी पूरी सोते सोते कहानी सुन गई। दादी को सुनाई नहीं दादी ने कि दो शेर वहाँ आए थे। तो फिर दादी पूछ रही है, अच्छा बताओ कितने शेर आए थे? दो शेर राजा पर छपटे थे। कितने? दादी ने जवाब दिया। अच्छा, स्वामीनाथन ने पूछा कि अच्छा बताओ कितने शेर आए थे? फिर दादी ने जवाब दिया, दो शेर राजा पर छपटे थे। फिर दादी ने जवाब दिया। स्वामीनाथन दादी के गलत जवाब से चिढ़ गया। मैं तुम्हें इतनी जरूरी बातें बता रहा हूं और तुम नींद में न जाने क्या क्या उलझुल कल्पना किए जा रहे हो, यानी कुछ भी बोल रही हो। अब मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा, ऐसा स्वामीनाथन ने कहा। मैं जानता हूं तुम क्यों ऐसा कर रहे हो। तुम राजा को पसंद नहीं करती ना? नहीं नहीं वह तो बहुत प्यारा लड़का है, दादी ने बड़े विश्वास से कहा। फिर उन्होंने राजम को देखा तक नहीं था।
फिर भी दादी ने कहा कि नहीं नहीं राजा को बहुत अच्छा लड़का है, बड़े विश्वास से कहा। असली तो ये थी कि दादी ने राजन को देखा ही नहीं था। फिर स्वामीनाथन खुश हो गया। दूसरे क्षण उसके मन में एक नया संदेह पैदा हुआ, दूसरा प्रश्न पैदा हुआ, दादी शायद तुम्हें शेर की कहानी पर विश्वास नहीं हो रहा हो। दादी ने पूछा, दादी शायद तुम्हें शेर की कहानी पर विश्वास नहीं हो रहा है। मैं एक एक शब्द पर विश्वास करती हूँ, दादी ने स्वर में मिठास भर कर कहा। स्वामीनाथन को इससे खुशी हुई, लेकिन उससे उसने चेतावनी के तौर पर जोड़ा, जो भी उसे झूठा कहेगा वह उसे गोली मार देगा। जो भी उसको झूठा बोलेगा वह उसे गोली मार देगा, ऐसा स्वामीनाथन ने चेतावनी के तौर पर जोड़ा था, चेतावनी दी थी। दादी ने इसका समर्थन किया और हरिश्चंद्र की कहानी सुनाने की बात कही, जिसने वचन का पालन करने के लिए सिंहासन, पत्नी और बच्चे को खो दिया था। राजा हरिश्चंद्र की कहानी सुनने के बाद की, जिसने वचन के लिए पत्नी, सिंहासन और बच्चे को खो दिया और अंत में उसे सब कुछ वापस मिल गया। उसने कहानी आधी सुनाई थी कि स्वामीनाथन फटाटे लेने लगा, स्वामीनाथन सो गया था। दादी भी रुक रुक कर बोलने लगे, फिर वह भी सो गई। ये थी आर के नारायण की कहानी, अनुवाद किया था मस्तराम कपूर ने। अब चलो इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। कहानी से सच, राजम बड़ा बहादुर है। स्वामी को क्यों लगा कि दादी ने यह बात उसे खुश करने के लिए कही, क्योंकि स्वामी को लग रहा था कि राजम दादी को पसंद नहीं है। मेडल से चुड़िया बनवा लेने पर दादी ने बुआ को महामूर्ख क्यों माना, क्योंकि वो मेडल स्वामी के दादाजी को मिला था और वो मेडल बुआ को संभालने के लिए दिया था दादी ने, और बुआ ने उसे गलवा कर चूड़िया बना ली थी, इसलिए दादी ने बुआ को मूर्ख माना। पाठ के आधार पर दादी या स्वामी के स्वभाव, आदतों आदि के बारे में तुम्हें क्या पता चलता है? किसी एक के बारे में 10-12 वाक्यों में लिखो, किसी एक के बारे में 10-12 वाक्यों में लिखो। तुम्हारी समझ से स्वामी ने राजम को ऊंची चीज माना। तुम्हारी समझ से स्वामी ने राजम को ऊंची चीज माना, क्या तुम स्वामी की राय से सहमत हो? अपने उत्तर के कारण लिखो। आपको लिखना है कि तुम स्वामी की बात से सहमत हो, उसके कारण लिखो। दूसरा है, स्वामी का अपना दादी के साथ कैसा रिश्ता था? 3-4 वाक्यों में लिखो। स्वामी का दादी के साथ बहुत ही अच्छा रिश्ता था, तो वो दादी के साथ ही रहता था, दादी ने ही उसे पाल पोस कर बड़ा कर ली थी, दादी ही। तो आपको उसका लिखना है। कहानी और तुम क, स्वामीनाथन के दादा रौबदार सब मैजिस्ट्रेट थे। किसी व्यक्ति का रौब किन बातों से पता चलता है? क्योंकि वो बहुत ही उनकी पर्सनैलिटी ऐसी तड़कती फड़कती थी रहती है, बड़ी बड़ी आंखें, बड़े बड़े मूछे और उनकी शरीर प्रकृति भी एकदम स्ट्रांग लीडर जैसी, तो उनके इस उनके रौबदार पर ऐसे ही पता चलता है। क्या तुम्हारे आसपास कोई रौबदार व्यक्ति है? शब्दों के जरिए उसका खाका खींचो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामीनाथन दादी के पास बहुत प्रसन्न और सुरक्षित महसूस कर रहा था, तुम कब असुरक्षित महसूस करती हो? जब तुम्हें कोई छेड़ता हो या कोई तुम्हारे आसपास कोई गंदा काम कर रहा हो, तब तुम आप
असुरक्षित महसूस करते हो ना, तब अपने घर में किसी को बताना, मम्मी या पापा को। दोस्त के घर में जब तुम पहली बार किसी के घर जाती हो। प्रश्न तीसरा है, तुम इन हालात में कैसा महसूस करते हो। दोस्त के घर में फील अच्छा महसूस करते हो। जब तुम पहली बार किसी के घर जाते हो तो थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता है। रेलगाड़ी या बस में किसी सफर पर जब तुम कहते पक्के कमरे में जाती हो, ठीक है। तो आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स लिखने हैं, ठीक है। तो ये पार्ट हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। ओके बाय, इसका होमवर्क कंप्लीट करो, ठीक है।